फ्रेंड्स, जब भी आप मलाई से घी निकालें तो मलाई को गरम करते समय उसमें एक टुकड़ा पान का डालें और आधी चम्मच उसमें आटा डाल दीजिए। इससे आपका घी एकदम फटाफट निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा और पान का पत्ता डालने से वो काफ़ी समय तक ख़राब भी नहीं होगा। आजमाई हुई ट्रिक है ये। देखिए, एक कटोरी मलाई से ही एक कटोरी पूरा घी निकल गया है। इतना ज़्यादा घी आपका इसी तरह से ही निकल सकता है। और इस घी को बनाने के बाद बचे हुए चीज से हम बहुत ही शानदार कलाकंद भी बना सकते हैं। घी का कलर देख रहे हैं आप, और ये बहुत समय तक ख़राब नहीं होगा, गारंटी है। पान का पत्ता जो डाला है हमने इसमें, बस इसको दबा कर निकाल लेंगे हम अच्छे से, और जितना दब सकते हैं उतना दबा देंगे, और इसको वापस हम कढ़ाई में डाल देंगे। इससे हम जबरदस्त कलाकंद बनाएंगे, बेहद बढ़िया, शानदार और फ्री में। और ये देखिए घी कितना बढ़िया निकला है, मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना बढ़िया घी तैयार हुआ है डब्बा भर के, और अभी ये ठंडा होने के बाद बेहद दानेदार बनेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये कढ़ाई गैस जला दी है हमने। अब ये जितना है उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि मैं मीठा कम खाती हूँ, इसलिए हमने इसमें थोड़ी चीनी डाली है। आप ज़्यादा खाते हैं तो जितना ये निकला है उतनी ही चीनी इसमें डालिए, और इसमें डालिए आप थोड़ा सा दूध। ये बेहद बढ़िया कलाकंद बनता है, बाजार के कलाकंद से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आप इसको खाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, और सिर्फ यही बनाने के लिए आप मलाई से दूध निकालना शुरू कर देंगे कि आपको कलाकंद खाना है। ये कलाकंद बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसमें दूध सूख चुका है और ये कलाकंद फूल चुका है, बस अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको प्लेट में डालकर मैं आपको खाकर दिखाती हूँ कि यह कैसा बना है। ये देखिए, ये खाने में इतना टेस्टी है, मैं ये सारा चट कर जाऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतजार रहता है, अब भी रहेगा। जल्द मिलते हैं हम।